ओ चलो, तुम सबकी डिमांड भी पूरी कर रहा हूं आज। चलो आज हम लोग एनयू डी की बात करेंगे दोस्त। सबसे ज्यादा डिमांडेड कॉलेज था। हम लोग बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में। हर वो चीज समझ रहे होंगे जो तुम्हें जरूरत है जानने की। समझेंगे क्या क्या इसमें ऐसा है जो एलिट, जो कि इसके लिए एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट होता है, जो कि अपने आप में एक चौड़ा एग्जाम है। क्यों लोग उसको देते हैं पूरी जोर शोर से, और क्यों दिल्ली में इस स्थित इस कॉलेज का दबदबा पूरे नेशनल और यूनिवर्सिटीज के ऊपर हो रहा है। चलिए बात करेंगे एनयू डी के बारे में, हर वो डिटेल समझेंगे जो तुम्हें जानने की जरूरत है, और जानेंगे कि क्या क्या यही तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है। दोस्त इस वीडियो को पूरा देख लो, जान जाओगे क्यों एलिट के लिए मेहनत करना जरूरी है, जान जाओगे एक्चुअली मोटिवेशन क्यों तुम्हें कैसे मिल पाएगी। अब समझो मेरी बात दोस्त, इतनी अच्छी वीडियोस के बाद अगर तुम इसको शेयर नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्त, तो मेरे साथ तुम गलत कर रहे हो। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल, और चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बात इस चीज को ना भूलिएगा, और हम लोग बात करते हैं कॉलेज के बारे में। कॉलेज देखिए यार, एक बहुत ही शानदार एरिया है। एनयू डी की बात करें अगर हम, दिल्ली अपने आप में कैपिटल सिटी, जो हाँ जहां पे अपॉर्चुनिटीज की कोई भी कमी नहीं है दोस्त। सबसे पहली बात समझ लो कि दिल्ली के अंदर चाहे आपको कोचिंग करनी हो, चाहे आपको लिटिगेशन करनी हो, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट सब कुछ आपके पास है। चाहे आपको जॉब करनी हो, आपके पास कॉर्पोरेट फर्म्स हैं। आपको क्या जाना है, किस तरफ क्या चीज की तरफ मूव ऑन करना है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी दिल्ली के अंदर मिल रही है दोस्त। तो चलो एनयू डी की बात कर रहे हैं। 2008 के अंदर स्टैब्लिश हो रहा है हमारा एक्ट के थ्रू मेट्रो। देखिए यार, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो मेट्रो या दिल्ली के अंदर कनेक्टिविटी क्या इशू है, पूरे देश भर के लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली से लोग पूरे देश भर में जाते हैं। तो यहाँ पे चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे, इसकी बात ही नहीं करनी। डिस्टेंस जो है बहुत ही मीगर होता है। मेट्रोज है यहाँ, तो यू कैन ऑलवेज इजिली कम्यूट। ठीक है, तो कोर्सेज यार BA LLB बहुत ही नेक्स्ट लेवल कोर्स हो रहा होता है। ऑनर्स का कोर्स है यहाँ पे, PhD और LLM की भी पढ़ाई यहाँ पे हो रही होती है। लोग BA LLB पे ही वो फोकस्ड हैं, वो इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ही वीडियो में हर चीज डिटेल में मैं कवर करता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर तुम लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब मारो चैनल के। हम लोग देखेंगे कि अब टोटल मार्क्स क्या होता है। देखो, टोटल मार्क्स तुम्हारा जो सेमेस्टर हो रहा होगा वहां पे DU के अंदर, उसमें तुम्हारा डिवीजन किस तरह से हो रहा होगा, तो यार 50 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा एक, वहां पे तुम जो है रिटर्न एग्जाम दे रहे होगे। सेमेस्टर्स को क्वालिफाई करने को तुम्हें कैसे कैसे पास करना है वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, मिड सेमेस्टर तुम लोग समझने, तुम लोगों का एक क्वेश्चन पेपर होगा, छोटा पेपर हो रहा होगा। फिर तुम्हारा अटेंडेंस के 5 नंबर है। खेद है मुझे, बहुत 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 खेद है मुझे कि एनयू डी में केवल इतने शानदार वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां पे भी अटेंडेंस का ये दुखद नियम लागू हो रखा है। और वाइवा ये हो रहा होता है, प्रोजेक्ट हो रहा होता है जिसमें आपके 20 नंबर का शायद प्रोजेक्ट है, 5 नंबर का वाइवा हो रहा था, तो वो चीज वेरी कॉमन है, अदर देन सेम एज अदर एनएलयूज, तो इस चीज पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फैसिलिटीज की बात करते हैं, गर्ल्स हॉस्टल यार एक हो रखता है, बॉयज हॉस्टल भी एक होता है हमारे लिए अदर एनएलयूज की तरह। कई सारे एनएलयूज में जहाँ पे 5 से 6 हॉस्टल हो रहे हैं, वहां वैसी सुविधा नहीं है। इसमें क्या अकोमोडेशन है, कैसी चीजें हैं, क्या फैसिलिटीज हैं अंदर हॉस्टल के, हम लोग हॉस्टल में का एक फ्लैट बना के रखी मैंने, उसमें बात कर रहा हूँ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी और फैसिलिटी समझो है, फुली एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, बेहतरीन ऑडिटोरियम बना रखा है तुम्हारे लिए, बेहतरीन तरह के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रहा होता है। इंडोर गेम्स तुम्हारे पास मिल जाएंगे, TT, पूल टेबल टेलीविजन, ये सब चीजें आपको मिल जा रही होती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, 2 इनोवा कार रखी है, बस रखी है कॉलेज वालों ने, तो तुमको कहीं जाना वाना हो तो ये कॉलेज वाले भी प्रोवाइड कर सकते हैं ये फैसिलिटी। ठीक है, मेडिकल सेंटर, एम्बुलेंस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यार ये बहुत 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 दुख की बात है। रीजन आई नो इज वैलिड कि सेंट्रल मतलब सिटी के अंदर है, दिल्ली के अंदर ये कॉलेज हो रखा है, बट यार और भी तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में DTU की बात करो, NSUT की बात करो, तो वहां तो यार 100-100 एकड़ के ऊपर के कैंपस हो रखे हैं। तो हमारे नेशनल यूनिवर्सिटी को यहाँ पे इतना छोटा बना दिए, और यहाँ पे प्लेग्राउंड्स की भी इतनी लैक कर दिए। यहाँ पे दोस्त आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा होगा, एक बास्केटबॉल कोर्ट है वहीं पे, दुनिया भर के जो कुछ मन हो खेल लो, लोग उसी पे क्रिकेट खेल लेंगे, लोग उसी पे बास्केटबॉल खेल लेंगे, लोग उसी पे फुटबॉल खेल लेंगे, जो मन आएगा जो उसी पे कर रहे होंगे। तो वी आर हैविंग नो ग्राउंड्स एट NLU दिल्ली, सो दैट इज अ वन बिग डिसएडवांटेज। तो जो लोग भी स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं वो एक बार की सोच सकते हैं कि हमको खेलने वेलने को चीजें नहीं मिल रही होंगी। ठीक है, अदरवाइज ये डिमेरिट है
बट हाँ इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। चलिए वॉलीबॉल कोर्ट बास्केटबॉल कोर्ट ये सब हो रहे होते हैं ठीक है, मैसो कैफेटेरिया है, कॉमन चीजें, बैंक वैंक मिल जाएगा, लाइब्रेरी लाइब्रेरी या नो लाइब्रेरी का नाम देख सकते हैं आप, चावला लाइब्रेरी देख बहुत बहुत ही शानदार एसीड वन ऑफ द टॉप क्लास लाइब्रेरी पूरे ऑल ओवर द कंट्री में आपको यहाँ एनएलयूडी में मिल रही होगी, एक से एक शानदार किताबें जो तुम्हें चाहिए जो तुम्हारी नीड है सब कुछ यहाँ मिल रहा होगा। इवन आई वुड से लाइब्रेरी इज द दैट वन प्लेस जहाँ पे एनएलयूडी के बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ बिता रहे होते हैं, अपना समय अच्छे से वहाँ स्पेंड कर रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। चलिए एयर कंडीशन ऑडिटोरियम आपको मिल जा रहा होता है, फिर उसका सेमिनार रूम्स मिल जा रहे होते हैं, फिर ई मूट कोर्ट हॉल मतलब डिजिटलाइज जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं उनका उनसे लेस आपको मूट कोर्ट हॉल मिल रहे होते हैं, डिजिटलाइज क्लासरूम है आपकी और सब चीजें भी आपकी बढ़िया हो रही हैं। तो ओवरऑल एज अ स्टूडेंट इफ यू आर गोइंग टू न्यू दिल्ली सो आपको फैसिलिटीज के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी एक्सेप्ट प्लेग्राउंड्स, दोस्त प्लेग्राउंड्स की कमी है ये बात का ध्यान रखेंगे और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता क्योंकि ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग देखेंगे फैसिलिटीज की, कुछ कुछ नजारा ले लिया जाएगा ठीक है, क्लासरूम्स कुछ ऐसे बढ़िया से दिखाई दे रहे होंगे तुम लोगों के है ना, ये तुम्हारा जो है ये बस चल रही है तुम्हारी और ये तुम्हारे कुछ कुछ जिम की फैसिलिटीज है तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हो तुम ठीक है। इंडोर फैसिलिटी मैंने बताया कि टीटीवीटी तुम्हें देखने को मिल जाएगा तो उस चीज की तुम्हें फोटोज मैं दिखा रहा हूँ, बाकी तुम्हारा कैफेटेरिया शायद ये होगा है ना, बाकी बढ़िया सा यहाँ पे तुम खावा सकते हो पे वे करके, ये तुम देख सकते हो सेमिनार हॉल यार दोस्त है ना, यहाँ पे मूड कोर्ट भी हो रहा है, ये लाइब्रेरी का दर्शन है। देखो यार इतनी शानदार लाइब्रेरी तुम्हारे लिए बना के रखी है एंड्रयू डी वालों ने तो तुम्हें वहां पे बहुत मजा आएगा, मूड कोर्ट भी करते देख सकते हो, देखो यार लोग बैठे हुए हैं तुम्हारे लिए प्रॉपर चेयर वेयर अरेंज है और प्रॉपर अरेंजमेंट हो रखा है, बढ़िया लेवल के मूड कोर्ट होते हैं यहाँ पे यार, अच्छी खासी कल्चर है यहाँ पे, हर कॉम्पिटिशन का जो अकेडमिक कॉम्पिटिशन होते हैं उनके बारे में तुम्हें आगे बात कर रहा हूँ। एनएलयूडी वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अचीविंग एनएलयूज है जब हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिशन्स में बच्चे यहाँ के कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग घबराते हैं एनएलएस एनएलयूडी एनयूजीएस इन सब के बच्चों से, तो बात कर रहे हैं एनएलयूडी की तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं हर वो चीज अवेलेबल है जो आपको एज ए स्टूडेंट एक बहुत ही शानदार लॉयर बनाने के लिए रिक्वायर्ड हो रही है ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए फुल ऑन रेडी रहिए दोस्त। तो ट्यूशन फी बहुत ही नॉमिनल सी हो रही है, 85,000 फीस हो रही है यहाँ पे, ये सब जोड़ जाड़ के आप अपनी फीस निकाल सकते हैं कितनी टोटल आ रही होती है, कोई दिक्कत नहीं है यार। एनएलयूडी जो प्रोवाइड कर रहा है ना, आपकी लाइफ जो सिक्योर कर रहा है ना, उसके लिए ये कहीं से भी फीस अरेंज हो जाती है, तुम एडमिशन तो लो यार टेंशन नहीं होनी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ठीक है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो रखा है, जो ओबीसी शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन हो रखा है इस चीज पे ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो 110 ऐसे सीट है, बाकी इन सीट्स को मिला के 123 सीट हो रही होती है हमारे कॉलेज के अंदर, बाकी जनरल वाले ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ हाँ ये 50 सीट है। तो आप ऑल ओवर कंट्री से फाइट कर रहे हैं किसके लिए, इन 50 सीटों के लिए दोस्त, तो जान लो कंपटीशन कितना है। आपने जरा अगल बगल मुंडी घुमा के देख लेना दोस्त, मॉक में जब नंबर आते हैं ना तो अभी भी अगर सीरियस नहीं हुए हो, क्लैट सर पे है और अभी भी अगर सीरियस नहीं हुए तो जरा आगे पीछे देखो कितने ही सारे इन 50 को भरने के लिए बैठे हुए हैं। तो सोचो तुम्हारे सेंटर पे इतने हैं, तुम्हारे उस कोचिंग में कितने होंगे, ऐसी ही कितनी सारी कोचिंग है, तो क्या ही कॉम्पिटिशन का लेवल हो रहा है दोस्त इन 50 सीटों के लिए। तो आर यू रेडी फॉर एनएलयूडी, अपने दिल से क्वेश्चन पूछो और फिर इस बात को फिर पेपर देने बैठना ठीक है। So, ये चीज हम देख रहे हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया, आई नो आई एम डिमोटिवेटिंग यू इन अ सेंस बट या जो लोग तैयारी करके बैठे हैं उन्हें भी जान लेना चाहिए तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन फ्यूचर इंतजार कर रहा है दोस्त। और जो लोग 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आई एम गिविंग यू गारंटी दोस्त, साल भर जम के मेहनत कर लो, अगर एनएलयूडी पहुंच गए ठीक है ना तो क्वेश्चन नहीं उठाएगा कोई तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर, एकदम सटीक बात बता रहा हूं। इन सब कॉलेज के दोस्त रिव्यू नहीं होते कि यहां से भैया कैसा होगा कैसा नहीं होगा जाके हमारा भविष्य, यहां पहुंचना ही आपको मतलब पार लगा देता है ऑलमोस्ट। अब आप एकदम मक्का निकल जाओ, नशा दारू पानी में लग जाओ तो बात अलग है, बट दैट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर अ डिसेंट स्टूडेंट एंड यू आर रीचिंग एनएलयूडी, भैया आपकी लाइफ सेट है, लाइफ तो सेट है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, नॉर्मली आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्लेसमेंट्स यार देख लो, समझ लो यार, प्लेसमेंट्स इंटरनेशनल पैकेज में आप देख रहे हो 40 लाख प्लस जा रहा है दोस्त, 40 लाख प्लस, ये तो मतलब एग्जैक्ट फिगर्स तो पता नहीं हो रहे होते हैं, ये मुझे वहां के स्टूडेंट से पता लग रहा है कि इतने पैकेजेस के बारे में तुमको नॉलेज है, बाकी पास्ट में इससे खतरनाक भी गए तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है, बहुत बहुत अच्छे चांसेस में गए होंगे ठीक है। तो इंटरनेशनल पैकेज इतने उठा रहे होते हैं लोग, 12 से 15 लाख का एवरेज पैकेज है यार, जो बहुत सारे यानी उसका हाईएस्ट पैकेज हो रहा होता है ये 12 से 15 यहाँ का एवरेज है, 18 लाख के डोमेस्टिक पैकेज, 18 से 20 लाख का डोमेस्टिक पैकेज यहाँ पे हाईएस्ट लग रहा होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। इसके बाद भी समझो यार, वहां पहुंचे तो पहुंचे, उसके बाद कंटिन्यूस प्रमोशन के थ्रू
वहाँ पे इतनी अच्छी ग्रोथ होती है एनयूटी के ग्रेजुएट्स की कि बहुत ही जल्दी उनका बहुत अच्छा पैकेज हो जाता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम लोग एक और बहुत शानदार एडवांटेज की, जो है अचीवमेंट्स। यार अचीवमेंट्स में देखो, तुमको परमवीर सिंह जी, आशिका जैन जी, हर्षिता बंसल जी, इवन अभी रिसेंट में सौम्य शर्मा जी, तुम्हें एनएलयूडी के अंदर से निकलते हुए बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे जो कि यूपीएससी में फोड़ रहे हैं दोस्त। मतलब गजब ही यूपीएससी कल्चर हो रखा है, वो तो दिल्ली की बात ही है, कुछ अलग नहीं आ रही। कोचिंग्स अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, गाइडेंस अवेलेबल है, और लोगों के अंदर एक ये जुजारूपन भी होता है दिल्ली में कि हाँ वो यूपीएससी निकालते हैं। तो एनएलयूडी में जाने के बाद आपको वो एनवायरमेंट मिल रहा होता है दोस्त। सोचो इतने खतरनाक प्लेसमेंट, तो मैं पिछली साल बताया ना, इसके बावजूद लोग यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बहुत कम बैठ रहे होते हैं। मुझे बताया गया स्टूडेंट्स के द्वारा कि वहां पे कल्चर जो है ना, वो यूपीएससी का, जुडिशरी का, एंड इवन समटाइम्स लिटिगेशन का भी हो रहा होता है, बट लोग कॉर्पोरेट के लिए काफी कम बैठ रहे होते हैं। उन्हें पता है कि यार उनकी प्लेसमेंट कभी भी लग जाएगी, वो जब चाहेंगे इसमें उठा लेंगे। तो प्लेसमेंट एंड सर्वाइवल इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एंड हु आर गोइंग टू एनएलयूडी, यू आर हैविंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज देन दैट, सो प्लीज यू प्लीज बी फोकस ऑन दैट। वही लोग करते भी हैं वहां के यार, तो समझ लो। अचीवमेंट देखो यार, स्टेटसन इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ मूड, खतरनाक मूड, सुनाना में लोग भैया जी तरह रोड्स स्कॉलरशिप निकल चुके हैं, दो लोगों से आई थिंक रोड्स स्कॉलर बन चुके हैं, जब जो कि वन ऑफ द प्रीमियर मतलब स्कॉलरशिप होती है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कुछ ही लोगों को मिलती है, तो वो एनएलयूडी के बच्चे उठा रहे हैं। एनएलयूडी और एनएलएस और एनयूजीएस कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं जहां के बच्चे ये उठा रहे हैं। नीचे वाले एनएलयू तो नीचे वाले प्राइवेट लॉ स्कूल को पता ही नहीं होता इसके बारे में, ये होता क्या है दोस्तों। प्लीज 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 फोकस करिए इस बात पे और जानिए कि एनएलयूडी क्यों एनएलयूडी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट्स हमने एक बेसिक समझ लिया, फील ले ली हमने कि यहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा होता है। स्टूडेंट कमिटी साथ करते हैं, कोई क्वेश्चन है? इतनी सारी मेरी वीडियोस देख चुके हैं, अब तुम मुझे खुद बताओगे यहाँ पे कि सर क्या बोलने वाले। सर बताएंगे कि इन स्टूडेंट कमिटीज में खतरनाक एक्टिविटी हो रही है दोस्त, लोग बिल्कुल फोकस के साथ इनमें काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ही लोग यहां से बहुत अच्छी तरह से खुद को रिफॉर्म करके, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करके आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छे इंडिविजुअल के फॉर्म में सोसाइटी के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें सोसाइटी इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है, उन्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सो एडीआर कमेटी ले लो, आप सोशल इंक्लूजन कमेटी ले लो, एकेडमिक कमेटी ले लो, हॉस्टल वेलफेयर कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी ले लो, मैथ्स कमेटी ले लो, कुछ भी ले लो, आपको यहाँ पे हर चीज एक्टिव मिल रही होगी। एक चीज पॉइंट यहाँ पे मानूंगा, हाँ स्पोर्ट्स कमेटी एक्टिव होने का सेंस भी ज्यादा नहीं बन रहा, बिकॉज यहाँ पे वेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस चीज के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें अकेडमिक ओरिएंटेड एक्टिविटीज की, चाहे वो मूट हो, चाहे वो एडीआर हो, चाहे वो नेगोशिएशन हो, चाहे वो कुछ भी हो दोस्त, यहाँ के बच्चे फोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो दोस्त, तो प्लीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और प्लीज 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 सपोर्ट अस। चलो आगे बढ़ते हैं, रिसर्च सेंटर्स की बात करते हैं एनएलयूडी के अंदर। एनएलयूडी के अंदर यार रिसर्च का एनवायरमेंट भी बहुत खतरनाक हो रखा है। लोग, कई लोग एलएलएम करने के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ से रिसर्च में अच्छे खासे अपना एक फाउंडेशन, एक बेस बना के, बिकॉज यहाँ पे बताया जाता है कि इतने सारे रिसर्च सेंटर जो हो रखे हैं ना, ये इंडिया के टॉप मोस्ट रिसर्च सेंटर्स हैं। प्रोजेक्ट 39A को तो पूरे भारत में सब लोग जानते हैं दोस्त, यहाँ की इंटर्नशिप के लोग मरते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो यार, ये जो सेंटर्स हैं ये बहुत एक्टिव हैं एनएलयूडी में, और उसी वजह से लोग इसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। सो प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे एक बहुत ही शानदार रिसर्च एनवायरमेंट भी मिल रहा होता है, उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि किस किस तरह की एकेडमिक एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या करिकुलर एक्टिविटीज आई वुड से हो रही होती हैं। ऑक्सफर्ड प्राइस मीडिया लॉ मूट कोर्स कॉम्पिटिशन हो रहा होता है, एनएलयूडी हर्बर्ट स्मिथ फ्री हिल्स इंटरनेशनल नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन हो रहा होता है, प्रोफेसर घनश्याम सिंह मेमोरियल पार्लियामेंट्री डिबेट हो रही होती है, इनसॉल्वेंसी मूट कोर्स कॉम्पिटिशन हो रहा है, सीसीआई का मूट नेशनल राउंड हो रहे होते हैं आईसीसी मूट कोर्स कॉम्पिटिशन के, फिर बोध राज साहनी मेमोरियल ओरेशन हो रहा होता है, फिर इंडिया प्री मूट ऑफ विलियम विस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मूट हो रहा होता है। दोस्त एक बात बता दूं, कई सारे कॉलेजेस, तुम तो रिव्यूज देख ही रहे हो ना मेरे, इनके आसपास भी नहीं है जो मूटों के नाम सुनते हो ना, ये अलग ही लेवल के मूट हैं। चाहे प्राइस मनी की बात कर लो, चाहे लेवल ऑफ जजेस की बात कर लो, चाहे लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन की बात कर लो, हर जगह जो एनएलयूडी का
जो स्टैंड है, जो एनएलयूडी का मतलब एक तरह से स्टेटस है, दैट इज एक क्लास अपार्ट स्टेटस, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे और जानते रहेंगे कि इन सब चीजों में हमें जब कॉलेज में पहुंचना है तो अच्छे से जानना है इनके बारे में और इनमें अच्छे से पार्ट लेने की कोशिश करनी है, खुद की पर्सनैलिटी को रिफॉर्म करना है। क्लियर हो रही है चीजें? चलिए जी, गेट बैक टू हॉस्टल। कितने बजे आपको 10, ऐसा लिखा है वेबसाइट पे, ऐसा वेबसाइट पे लिखा है कि 6 बजे तक कैंपस में लौटना होता है और 10 बजे तक हॉस्टल में। पर आप देखो, ऐसा है मुझे जो दोस्तों से पता चला तो बता रहे थे कि 10 बजे तक आप आ सकते हो, चिल रहता है सीन, बाकी उसके बाद भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है कैंपस टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी कोऑपरेटिव, दैट वाज द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज। अब लाइब्रेरी 12 बजे तक खुली हो रही होती है तो आप 12 बजे से पहले हॉस्टल, 12 बजे के मतलब तक भी आप हॉस्टल्स के बाहर भी रह सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज के लिए। हाँ यार, हॉस्टल्स की बात जब शुरू ही हो गई तो एक और बात जान लो, डेलाइट्स जो हैं दिल्ली के रहने वाले, उनको हॉस्टल मिलने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब कि शायद बहुत ही मुश्किल से मिलता होगा, नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज का अगर हम देखें तो रेजिडेंशियल कैपेसिटी बहुत कम है, मतलब कॉलेज की केवल एक गर्ल्स हॉस्टल, केवल एक बॉयज हॉस्टल। इस वजह से कुछ बच्चे अकेडमिक ब्लॉक के टॉप फ्लोर पे कुछ कमरों के अंदर भी रह रहे होते हैं, तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी दोस्त। इतना शानदार कॉलेज है, इतने अच्छे फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सबसे नियर कॉलेज है, हर वो चीज एनएलयूडी में अवेलेबल हो सकती है बड़े आराम से। तो आई थिंक ये चीज पे कॉलेज को काम करना चाहिए, कॉलेज में रेजिडेंशियल जो फैसिलिटी है उस चीज पे बहुत ही कम काम हुआ है। लोगों को सोचो यार, सोचो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में ट्रिपल सीटर हो रखा है, ट्रिपल सीटर, दैट इज वेरी वेरी बैड आई वुड से, मतलब काफी हद तक ये चीज अच्छी नहीं है। मैंने स्टूडेंट से बात करी तो पीपल वर सेइंग कि दे वर हैविंग डिस्टरबेंस, मतलब जब कॉल रूम्स की बात करें तो दैट्स व्हाई दे वर गोइंग टू रूम, दैट्स व्हाई दे वर गोइंग टू लाइब्रेरी एंड वर फोकसिंग, ट्राइंग टू फोकस ऑन देयर स्टडीज। तो दैट इज वन थिंग विच इज लाइक ट्रिपल सीटर रूम कई लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। फिर फोर्थ और फिफ्थ में आपको डबल सीटर मिल रहा होता है, वहीं कई जगहों पर देखोगे आप कि फर्स्ट ईयर से ही सिंगल सीटर है, और जब इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है तो आई थिंक वो चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए। इवन वन मोर थिंग, अटेंडेंस वाली बात भी यार, आई डोंट थिंक वो चीज यहाँ पे अच्छी लग रही है। आप सोचो ना, एलिट जैसा एग्जाम केवल आपके ही कॉलेज में आने के लिए पूरे भारत के इतने खतरनाक बच्चों ने दिया, उसके बाद कुछ बच्चे आ पाए और उनके लिए आप 5 नंबर, आप कह रहे हो 5 नंबर तुम्हारे किसके काटेंगे, अटेंडेंस काटेंगे। सीरियसली सर, प्लीज 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 डू रिफॉर्म सर, प्लीज डू इट। अच्छा, हॉस्टल से बात कर रहे हैं, ट्रिपल सीटर तो है, डबल सीटर तो है, पर एसी हॉस्टल्स हैं। आरजी एनुअल के बाद तुम यही देख रहे हो शायद कि एसी वाले हॉस्टल तुम्हें मिल रहे होंगे, शायद 22,000 या 21,000 सालाना इसकी एक्स्ट्रा तुमसे चार्जेस लिए जाते हैं, बट दैट इज वर्थ इट दोस्त। साल भर आपको एसी की सुविधा कॉलेज हॉस्टल के अंदर मिल रही है, तो दैट इज द चार्ज विच इज वर्थ इट। और इसके अलावा देखिए, आप एसी हॉस्टल हैं, आपका एसी एकेडमिक ब्लॉक है, आपका एसी ही लाइब्रेरी है, तो कोई भी दिक्कत बच्चों को इस हिसाब से नहीं आ रही होती है कि गर्मी सर्दी ठंडा गर्म कोई दिक्कत नहीं है, ठंडियों में गर्मा कर गर्म कर देगा, गर्मी में ठंडा कर देगा। इसलिए आप समझिए, आपके पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है जब हम बात कर रहे हैं एनएलयूडी की, ठीक है। तो समझ में आ रही है इन सब चीजों के साथ हम लोग यार क्या अपने कंक्लूजन पहुंच सकते हैं, क्या हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग एनएलयूडी क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। तो चलो समझते हैं कि वाई एनएलयूडी। सर लोकेशनल एडवांटेज समझो यार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके एक ही जगह पे लाई कर रहा है, आपके कॉलेज के बहुत पास में, आपको इंटर्नशिप के लिए, आपको जॉब के लिए, चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, आपको हर चीज के लिए यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही होगी दोस्त। लोकेशन के मामले में, लोकेशन के मामले में पूरे कंट्री में नजर घुमा लो यार, एनएलयूडी से अच्छी लोकेशन किसी की नहीं है। तो लोकेशनल एडवांटेज के मामले में 100 में से 200 नंबर दूंगा यार। इंटर्नशिप बेनिफिट, कोचिंग मिल रही होती है यार, इसी वजह से देखो ना दिल्ली के अंदर क्या नहीं है। तो कोचिंग आप लेना चाहो, चाहे वो जुडिशरी की हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, तो आप कॉलेज के साथ साथ ही कर सकते हो वो चीज, तो उस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। रिसर्च का स्कोप मैंने बताया, सेंटर्स कितने सारे और कितने एक्टिव हो रखे हैं, तो रिसर्च का स्कोप भी बहुत अच्छा है। फंडिंग मिल रही होती है गवर्नमेंट से भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको, और कॉलेज में आप जब जाओ, ये चीज छोड़ दो, इस चीज पे भी ध्यान मत दो, बट ये चीज कॉलेज में पहुंचोगे तो समझ में आएगा इसका क्या बेस होता है। एलुमनाई बेस यार, यहाँ पे देखो आप, आपको यूपीएससी वाले, आपको जुडिशरी वाले, आपको लिटिगेशन में, आपको कॉर्पोरेट जॉब्स में, आपको हर रिसर्च में, आपको एलएलएम करते हो, आपको हर उस जगह जहां
अपने कॉलेज के एलुमनाई चाहिए, वहां आपको अपने एलुमनाई मिल रहे होंगे, जिस जगह जाना चाहते हो वहां पे हेल्प मिल रही होगी। और दोस्त किसी कॉलेज का एलुमनाई होता है ना, वो अपने कॉलेज के जूनियर की बिल्कुल हेल्प करता है। पर्सनल फिर बता रहा हूँ, तो आगे जाके देखो कि एलुमनाई नेटवर्क होने का बहुत 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 बेनिफिट होता है। तो किसी कॉलेज का अगर एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है तो प्लीज प्लीज उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखिए, ठीक है। रोड स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, फेयरली वेल एनआईआरएफ में रैंकिंग हो रही है। दोस्त पता है यार, एनएलएस बैंगलोर एनएलयूडी में लोग पूछते हैं कि कौन सा बेहतर है, इसका जजमेंट देना ना काफी हद तक मतलब लोगों के पर्सनल बेसिस पे भी निर्भर करता है, बिकॉज दोनों ही इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को काफी हद तक टक्कर दे रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, कई जगहों पे आई वुड से कि एनएलयूडी एनएलएस को डिफीट कर रहा है कई जगहों पे, एक्सेप्ट पब्लिक परसेप्शन कई सालों में बनता है लोगों का, और क्योंकि एनएलयूडी बहुत बाद में आया है और एनएलएस बैंगलोर बहुत पहले आ चुका है, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि लोगों को एनएलएस बैंगलोर के बारे में ज्यादा पॉजिटिव एक 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 इमेज है ना। तो दैट इज ओनली वन थिंग। अदरवाइज अगर आप पूछो कि दोनों में, तो यार दोनों ही एक लेवल के इंस्टीट्यूशन है, तुमको दोनों में से कहीं भी मिलना है, मिल जाने में ना तुम राजा हो दोस्त, तो कुछ भी इसमें गुणा भाग मत लगाओ, जहां मिल रहा है जाओ, ठीक है। Why not NLED यार, ढूंढने होते हैं, स्लाइड का पार्ट बनाना होता है। तो देख लो यार, एक चीज गलती है यहाँ पे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपको यहाँ नहीं मिल रही होती हैं, जैसे कि फोकस मोर एकेडमिक ओरिएंटेड फोकस है, जैसे मैंने बताया सारी एकेडमिक एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज नहीं होती हैं। एक चीज तुम लोगों ने नोटिस करी, मेजर पूरे कॉलेज का कोई मेजर नेशनल लेवल पे कल्चरल फेस्ट नहीं हो रहा होता है, नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स फेस्ट नहीं हो रहा है, दैट इज वेरी बैड यार, वेरी वेरी बैड। अगर कैंपस की बात थी तो सोचिए, एनयूजीएस का तो इससे भी छोटा, 5 एकड़ कैंपस है इसका, तो फिर भी 10-12 एकड़ हो रहा होता है। तो उस चीज का मुझे यहाँ पे बड़ा खराब लगा कि स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कल्चर नहीं है। सो दैट इज वन थिंग विच यू कैन सी, अगर किसी को लगता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और दैट इज आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप 5 साल रहने वाले हो वहां पे, तो वहां का क्या एटमोसफेयर है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, कल्चरल फेस्ट नहीं होते हैं, कैंपस एरिया थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग आप देख सकते हो, बढ़िया है, मतलब क्या लोगे यार, क्या लोगे, मतलब भारत के सबसे शानदार कॉलेज में एक की बात कर रहे हो आप, तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ बढ़िया ही मिल रहा होता है, ठीक है। तो अब बताइए क्या जाना चाहिए सर। यार 100% मतलब विदाउट एनी क्वेश्चन एनएलयूडी मिल रहा है, आंखें बंद से करो और बिल्कुल प्रणाम करके स्वीकार करो और पहुंच जाओ, ठीक है, ठीक है। चलिए, विद दैट नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और प्लीज यार, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, खुद ही से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ वीडियो को पूरे में फैला दो यार, एनएलयूडी की वीडियो है, हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, हर किसी को इसके बारे में मालूम पड़ना चाहिए। अभी तक इतना डिटेल में कोई लेके आया नहीं है, चैलेंज करता हूं, और ना ही सारे कॉलेज को लेके आएगा, तो इस कॉलेज रिव्यू सीरीज को इतना सारा प्यार दो ना यार, इतना सारा प्यार दो कि मजा ही आ जाए, मुझे भी मोटिवेशन मिले तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के और तुम्हारे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स को देख के, ठीक है। तो विद दैट नोट निकलते हैं।